आज हम बना रहे हैं वर्ली वांगी। वर्ली यानी भरवा और वांगी इज बैंगन। सबसे पहले बैंगन को काट लेते हैं। उसके लिए इस तरीके से आप छील सकते हैं। अगर आपके पास देहाती जो कांटे वाली बैंगन होती है तो वो भी आप बना सकते हैं। आपने यहाँ पे एक डिप कट देना है, एज के पास रुक जाइए और देख सकते हैं इसमें कीड़े हैं कि नहीं। सेम इसी तरीके से इधर कर लीजिए और इसे नमक पानी में डाल देते हैं। जब भी बैंगन करें उसे नमक पानी में डालें। हमने सारे बैंगन काट लिए हैं और इसे ड्रेन करेंगे। आइए अब मसाला बना लेते हैं जो कि बैंगन में भरा जाए। उसमें डाल रहे हैं पीनट। पीनट स्किन वाला है, ये पूरे 100 ग्राम है। इसे भून लेते हैं। भूनने से स्वाद अच्छा आएगा। पीनट को भूनने के बाद जब हम पाउंड करेंगे तो ये आपस में चिपकेगा नहीं। पीनट रोस्ट हो गया, अच्छे से भुन गया है। अब निकाल देते हैं प्लेट में और इसका स्किन बाहर कर देंगे हाथ की सहायता से। पीनट का स्किन निकाल के हमने पीनट को इस तरीके से क्रश कर लिया है। ये देखिए दरदरा है, बहुत मोटा भी नहीं छोड़ा और बहुत बारीक भी नहीं है। अब हम बनाते हैं स्टफिंग। इसके लिए मैं लूँगा 1 कप ग्रेटेड कोकोनट और ये पीनट, ये डाल देते हैं। 1 चम्मच पिसा हुआ प्याज, पिसा हुआ गार्लिक 1 चम्मच। अब डालते हैं इमली पल्प जिसको हमने भिगा के पल्प बना लिया है, ये 2 चम्मच। थोड़ा सा गुड़ स्वाद को बढ़ाने के लिए, 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चुटकी हल्दी और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और इसे मैश कर लेते हैं। अब इन मसालों को हमें बैंगन के अंदर अच्छे से भरना है। हमें सारे बैंगन को इसी तरीके से भरने हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक से एक भरे बैंगन की रेसिपी यहाँ है। उसमें से एक ये है, कुछ कुछ वर्ली वांगी में आमटी मसाला भी डाला जाता है। काफ़ी ट्रेडिशनल है ये। हमने सारे बैंगन स्टफ़ कर लिए हैं और हम ले रहे हैं कढ़ाई और डालते हैं तेल। 80 से 100 ml तक तेल आप ले सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, हम डाल रहे हैं 1 चम्मच राई, 1 चम्मच हींग और कुछ कड़ी पत्ते। ये मसाला बच गया था, सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे और अब इसमें धीरे धीरे करके सारे बैंगन डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी देर हम ढक के पकाएंगे। ढक्कन हटा के बीच में चलाना ज़रूरी है ताकि लगे नहीं। ये वापस ढक्कन लगाइए, पकने दीजिए। ढक्कन हटा लीजिए और भूनते रहिए बीच बीच में। अब हम डालेंगे गर्म पानी और ढक्कन लगा के पकने देते हैं और हमारा वरेली वांगी बनके तैयार है। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर से कोदंबीर धनिया और गैस के फ्लेम को बंद करते हैं। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। और हम ले रहे हैं एक बॉल, डालते हैं बैंगन। और हम गार्निश करेंगे थोड़ा सा कटे हुए धनिया से। वर्ली वांगी की अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वायरी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।